आज मैं एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मसाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के अन्य भी किया था यह कथनांक टेलनाइट के चरित्र पारुपदियान और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी वसुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं था के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल वहीं वहीं पीएल अभिनेता के रूप शिवाजी और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वहीं छाया खान एम एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को दस अप्रैल उन्नीस को तमिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और सात हजार ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्म एयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदियप्पा का मैकनील इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वसुधा वा, वा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर वसुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाबरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता आ, मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदयप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मणि को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदयप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक माह अलुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदियप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पदियप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पद्यप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि इस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पद्यप्पा की माँ ने पदयप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज्यादा तवज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को 1999 को फिल्म में मूल समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वहीं की प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार वो रेडी फिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कें तो यह फिल्म के सामना वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वहीं समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने किससे ज्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के के पीस ने पाठ कथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। छियासी थियेटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रति भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के प्रतियोगिमी मिथल को प्रचालित करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को को देखने के आलोचना के आलोचना सांप दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदियप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदयप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेड्डी भी, भी हैं वहीं पदियप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है नीलाम्बरी के पिता के रूप में राधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वही, पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है शैथल्य अलागुपुरी आज के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदयप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेखा किया गया है जहां पर पदयप्पा ने रजनीकांत के युद्धस्थापा के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की टिस्टर्पिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड ट्रैक अगस्त 1999 की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंटरी कोडी कड्डुल श्रेष्ठ श्रु में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रहमान का संगीत वोवेराथमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा उन्नीस में बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया की के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था। इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नौती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ सा हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदयप्पा को करना पसंद किया वहीं पदयप्पा का शीर्षक अरुपद्दा और पदयप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एच टूल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पी एल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पदियप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रमिया कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह सा आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रमिया को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस सौ संतानवे में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिद्धूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के कास्ट के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक ट्रैक में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह एक टोस्ट तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई कर्ज में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मशाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के ने भी किया था यह कथनांक के चरित्र और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी और शुदा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वही पीएल थप्पन वही अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वही छाया खान एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदियप्पा को 10 अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और सात हजार ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मफेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदयप्पा का मैकेनिक इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में 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 शामिल होने के लिए मद्रास साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वह वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर वसुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाम्बरी सूर्य प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पद्यप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन हमदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली जमीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता आ, मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदयप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मणि को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदयप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक माह नुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदियप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पदयप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पदियप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि इस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पदियप्पा की माँ ने पदियप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तोज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को उन्नीस सौ निन्यानवे को फिल्म में मूल्य समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वही एक प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार है वो रेडी फिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कहें तो यह फिल्म विंजर्ड के सामना है और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वही समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज़्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के के पीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। छियासी थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा श्रिष्य के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहे उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रति भाग मिगल की बात कही वही प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के मिथल को करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदियप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदयप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण वही है वहीं वही वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी हैं वहीं पदयप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में राधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है शैथल्य अलागपुरी आज गेस के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वही पदियप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वही अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेकर किया गया है जहां पर पदियप्पा ने रजनीकांत के युद्धस्थापा के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की डिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड टेक अगस्त उन्नीस सौ निन्यानवे की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंटरी कोडी कड्डुल श्रेष्ठ श्रु में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत श्री राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रहमान का संगीत वोवेराथमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा उन्नीस में बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया कृष्ण के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था। इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नोती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया वहीं पद्यप्पा का शीर्षक अरुपद्दा और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एंच विटुल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पीएल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम रतन कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शकों आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवीत उम्मीद करता वहीं पदियप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रमिया कृष्ण जुलाई उन्नीस सौ में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रमिया को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस सौ संतानवे में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिधूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे में मनिक वशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के और के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस सौ को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक टैग में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए दो हजार अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलांबरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह एक टॉच तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई खर्च में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मशाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रम्या कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के ने भी किया था यह कथनांक टेल नाइट के चरित्र पारू पदियान और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी और सुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वही पीएल थप्पन वहीं अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वही छाया खान एम एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वही संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को 10 अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह दो प्रिंटों और सात हजार ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्म एयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदियप्पा का मैकनील इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में साल काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर व सुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलांबरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन हमदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदियप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मनी को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदयप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पितृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महा अलनुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदयप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पदयप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पद्यप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पद्यप्पा की माँ ने पद्यप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को उन्नीस सौ निन्यानवे को फिल्म में मूल समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वहीं कि प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार है वो रेडी फिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कें तो यह फिल्म के सामना है और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वहीं समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने किससे ज्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के के पीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। छियासी थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा श्रीष्य के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताजरेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रतीक भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के प्रतियोगिनी मिथल को प्रचालित करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी पी एस के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदयप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक सांड को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदयप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदियप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वही वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी हैं वहीं पदयप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदियप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में आराधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है वहीं शैथल्य अलाघपुरी आज गे के रूप में वहीं अब्बास चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदियप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेखा किया गया है जहां पर पदयप्पा ने रजनीकांत के युद्ध के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की टिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड ट्रैक अगस्त उन्नीस सौ निन्यानवे की कि रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंट्री कोडी कड्डुल श्रेय शुरू में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत श्री राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रामान का संगीत संगीतमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यवसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा उन्नीस में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया कृष्ण के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नोथी सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ हार नामक एक पार्ट कथा का रचना किया वहीं कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया पद्यप्पा का शीर्षक और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया हुए। मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम अराव एंच वी राव और एच विटूल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पी एल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पदयप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रमिया कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रम्या को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस सौ संतानवे में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिधूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के और कास्ट के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक ट्रैक में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था

तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई खर्च में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मसाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के अन्य भी किया था यह कथनांक टेल नाइट के चरित्र पारुपदयान और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि वो अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी और सुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वहीं पीएल थप्पन वहीं अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वहीं छाया खान एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को दस अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और 7000 ऑडियो ओडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदियप्पा का मैकेनिक इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वह वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर वसुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलामरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुरगुन हमदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गाँव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदियप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मनी को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदियप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है पानी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महा नुमाम निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पद्यप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पद्यप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पदियप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पदियप्पा की माँ ने पदयप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तोज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को उन्नीस सौ निन्यानवे को फिल्म में मूल्य समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वहीं की प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार है वो रेडी फिक गणेश नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कैं तो यह फिल्म विंजर्ड के सामना और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वही समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज्यादा कुछ नहीं है वही क्विक के, के पीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ कहा और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रतीक भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के मिथल को प्रत्यागिनी करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी पी एस के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदियप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदयप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदियप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन है वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी, भी हैं वहीं पदियप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में वहीं सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वरण है शैथल्य अलाघपुरी आज गेस के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदियप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेखा किया गया है जहां पर पदियप्पा ने रजनीकांत के युद्ध के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की टिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि ये साउंड ट्रैक अगस्त उन्नीस की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंट्री कोडी कड्डुल श्रेष्ठ श्रु में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत श्री राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रहमान का संगीत वो थमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा उन्नीस में बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया कृष्ण के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज़ किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था। इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नौती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया वहीं पदियप्पा का शीर्षक अरुपदा और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छ निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम अराव एंच वी राव और एच विटुल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पी एल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पदयप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रम्या कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रम्या को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिधूर्थ को मिल गया विरुद्ध चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के और के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस सौ को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक टैग में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह एक टोस्ट तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियअपा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मसाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के अन्य भी किया था यह कथनांक टेल नाइट के चरित्र पारुपदयान और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीढ़ियों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदीयपा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी और सुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वहीं पी एल थप्पन वहीं अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वहीं छाया एम एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने कृष्ण के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को दस अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और 7000 ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मफेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदयप्पा का मैकेनिक इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर व सुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाम्बरी सूर्य प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन मदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदयप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मणि को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदियप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदियप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता है वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महाअलनुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदियप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलांबरी को वसुधा के लिए पदयप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्या करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता-पिता पदयप्पा की विधवा मां से नीलमरी उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि इस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पदियप्पा की मां ने पदियप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफी ज्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने उन 25 अगस्त को 1999 को फिल्म में मूल्य समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत सेली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया की के कि प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार वो रेडीफिक गणेश के नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कहें तो यह फिल्म विंजर्ड के सामना है और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा है कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वहीं समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के कैपीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमियां समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा के तहत तेलुगु किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रतीक भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं रेखा में इसी तरह के प्रतियानी मिथल को प्रचालित करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी पी एस के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदयप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है। और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय वह उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पद्यप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वही है वही। वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रवीरा रेडी भी हैं वहीं पदयप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदियप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में आराधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदयप्पा के पिता के भाई के रूप में मनिक वर्ण है शैथल्य अलागुपुरी आज गे के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायाम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदियप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेखा किया गया है जहां पर पदियप्पा ने रजनीकांत के युद्ध के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड टैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड टैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की टिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड ट्रैक अगस्त 1999 की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंट्री कोडी कड्डुल श्रेय शुरू में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत राम के बारे में बताया वही कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रामान का संगीत मूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यवसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा 1999 में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया कृष्ण के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह के के बाद रजनीकांत साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नोती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया वहीं पदियप्पा का शीर्षक अरुपद्दा और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छ निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एंच विटूल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रेडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पी एल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पद्यप्पा नीलांबरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रम्या कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रमिया को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिद्धूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के कास्ट के लिए किये जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक ट्रैक में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह एक ट्वस्ट तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई खज में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मसाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के अन्य भी किया था यह कथनांक टेलनाइट के चरित्र पारुपदियान और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी वसुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं था के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वही पीएल थप्पन वही अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वही छाया खान एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को दस अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और 7000 ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मफेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदयप्पा का मैकनील इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर वसुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाबरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नजर में मुरगुन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदयप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मणि को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदियप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पदयप्पा की माँ इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महा अलुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदियप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पदियप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पदियप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि इस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पदियप्पा की माँ ने पदियप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को 1999 को फिल्म में मूल समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया की कि प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार वो रेडीफिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा हैं तो यह फिल्म के सामना है आया वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वहीं समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के के पीस ने पाठ कथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रतीक भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के प्रतियोगिमी मिथल को प्रचालित करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को को देखने के आलोचना के आलोचना सांप दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदियप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदयप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी हैं वहीं पदियप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है नीलाम्बरी के पिता के रूप में राधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वही, पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है शैथल्य अलागुपुरी आज के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदयप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेखा किया गया है जहां पर पदयप्पा ने रजनीकांत के युद्धस्थापा के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की डिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड टैक अगस्त 1999 की कि रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंट्री कोडी कड्डुल श्रेय शुरू में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रामान का संगीत वोवेराथमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा उन्नीस में बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया की फिल्म के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नौती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पद्यप्पा को करना पसंद किया वहीं पद्यप्पा का शीर्षक अरुपद्दा और पद्यप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एच विटूल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पी एल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पदियप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रमिया कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह सा आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रमिया को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदयप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिद्धूर्थ को मिल गया विरुद्ध चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक टैग में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था वह एक टोस्ट तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई कव में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मशाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रमिया कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैलग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के ने भी किया था यह टेल नाइट के चरित्र और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी व से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल पीएल अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वही छाया खान एम एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने क्रिएशन के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस रखा गया यह कार्यक्रम समय एक मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को 10 अप्रैल उन्नीस को तमिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह दो प्रिंटों और सात हजार ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मफेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदयप्पा का मैकेनिक इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान व वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर व सुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाम्बरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन हमदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली जमीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता आ, मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदयप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मणि को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदयप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पैतृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की माँ इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता है जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महाअलनुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदयप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलांबरी को वसुधा के लिए पदयप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्या करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता-पिता पदयप्पा की विधवा मां से नीलमबरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि इस सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पदियप्पा की मां ने पदयप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हरेक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफी ज्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को 1999 को फिल्म में मूल्य समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत सेली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अलग हो गया गए एक सही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वहीं प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार है वो रेडी फिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कें तो यह फिल्म विंजर्ड के सामना है और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है वही समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज़्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के के पीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ का और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदियप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। छियासी थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा श्रिष्य के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यावसायिक रूप से सफल रहे उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रति भाग मिगल की बात कही वही प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के मिथल को करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी पी एस के सांपों के लिए यह जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना अधिक खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदयप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी ने मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक सांड को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पद्यप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पदयप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी, भी हैं वहीं पदयप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में राधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है शैथल्य अलागपुरी आज गेस के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदयप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वही अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेकर किया गया है जहां पर पदियप्पा ने रजनीकांत के युद्धस्थापा के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की डिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड टेक अगस्त उन्नीस सौ निन्यानवे की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंटरी कोडी कडुल्रेय शुरू में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफी बेहतरीन बनाया गया और यह के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रामान का संगीत संगीतमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यवसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वही पदियप्पा 1999 में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया कृष्ण के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह के के बाद रजनीकांत साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नोती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ शाह हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया वहीं पद्यप्पा का शीर्षक अरुपद्दा और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एंच विटुल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पीएल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियाग्राफर किया वहीं निर्माता में एम एम कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवनीत उम्मीद करता वहीं पदयप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रमिया कृष्ण जुलाई उन्नीस सौ में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्ष्य देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रमिया को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस सौ संतानवे में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिधूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ पंचानवे में मनिक अवसमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के और के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक ट्रैक में फिल्मांकन कहा गया था कैमरों के द्वारा दृश्य के लिए 2000 अतिरिक्त उपयोगों के लिए नीलाम्बरी का परिचय देने वाले दृश्य में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था

तो सेरा थी जो रविशंकर की थी रजनीकांत के आग्रह पर रवि कुमार के फिल्म में नई खर्च में एक ऐसे मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे में भारतीय तमिल भाषा में फिल्म को रिलीज किया गया था और इस मूवी से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को कवर करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे क्या इस मूवी को हम लोग फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं या फिर नहीं पदियप्पा उन्नीस सौ निन्यानवे की भारतीय तमिल भाषा की मशाल फिल्म है के एल कुमार के द्वारा रवि कुमार ने लिखा है कि इसका निर्देशन किया है वहीं इसमें शिवाजी गणेश रजनीकांत रम्या कृष्ण और सोदारिया के साथ अब्बास लक्ष्मी राधा रवि और अन्नासार के सहायक भूमिका निभाई है वहीं साउंड ट्रैक एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर की रचना की है वहीं आर रहमान के ने भी किया था यह कथनांक टेल नाइट के चरित्र पारू पदियान और उसके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जो उसके चचेरे भाई नीलांबी द्वारा पीड़ितों तक बदलाया लेने के लिए लक्षित किया जा रहा है यह खान नायिका जिसे पदियप्पा द्वारा उसके प्रेमी वास्तव को अस्वीकार करने के बाद अपमानित छोड़ दिया जाता है जिसके बाद बताया जाता है कि वो अनेक दिल से प्यार हो गया घर की नौकरानी और सुधा से वहीं इसके निर्देशन के एस रवि कुमार है वहीं पाठकथा के, के एस रवि कुमार के द्वारा ही लिखा गया वहीं कहानी का, रजनीकांत के ऊपर निर्धारित है वहीं इसकी उत्पादित कंपनी की बात की जाए तो के एस नारायण और एम श्री कृष्ण राव एंडिल प्रदास वही पीएल थप्पन वही अभिनेता के रूप में शिवाजी गणेश और रजनीकांत और रमिया कृष्ण सौदागर वही छाया खान एस मूर्ति प्रसाद वहीं संपादक के रूप में कानी चलन वहीं संगीत को ए आर रहमान के द्वारा दिया गया वहीं प्रोड्यूसर अरुणाचल सिने कृष्ण के द्वारा रिलीज किया गया वहीं रिलीज की तारीख 10 अप्रैल उन्नीस सौ निन्यानवे रखा गया यह कार्यक्रम समय एक सौ इक्यासी मिनट रखा गया यह भारत देश के तमिल भाषाओं में रिलीज किया गया फिल्म के लिए मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर उन्नीस में शुरू हुई वहीं पदयप्पा को दस अप्रैल उन्नीस को तामिल नववर्ष की पूर्व संध्या पर रिलीज किया गया था यह 210 प्रिंटों और सात हजार ऑडियो कैसेटों के साथ दुनिया भर में रिलीज होने वाली पहली तमिल फिल्म थी उस समय तमिल सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई वहीं रामा कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की गई सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रीनी के तहत फिल्मेयर पुरस्कार मिला फिल्म ने पांच राज्य फिल्म पुरस्कार जीते वहीं पदियप्पा का मैकनील इंजीनियर है जो उनकी बहन सगाई में शामिल होने के लिए मद्रास में तीन साल में काम का इंतजार करते हैं और तंजूर के पास अपने गांव लौटते हैं उनकी बहन की सगाई उनके मां के बेटे के सूर्य प्रकाश से हुई है वहीं उनके अपने प्रवास के दौरान वह वसुधा के पास आता है और उसके प्यार में पड़ जाता है हालांकि उसका शर्मिलापन और उसकी मकान मालकिन और नीलम्बरी का डर व सुधरा को शुरू अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में रोकता है इसके अलावा नीलाम्बरी सूर्या प्रकाश की बहन है जो हाल ही में पढ़ाई करके विदेश से लौटती थी और वह अपने आकर्षण शक्ति और बहादुरी के कारण पदियप्पा के प्यार में पागल हो जाती घटनाओं के एक मोड़ में पदियप्पा के पिता के भाई मनिक परिवहन की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग करते हैं पदियप्पा के पिता गांव के मुखिया गांव के सभी शादियों में भव्य दान देकर अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का पालन करते हैं इस सतर्क के तहत कि कि वे दुल्हा और दुल्हन की दोनों सहमति से होनी चाहिए और केवल मुखिया की नज़र में मुर्गुन हमदीन के सामने क्रोधित से बाहर अब उसने खुलासा किया कि मणिक उनके पिता की मालकिन का एक बेटा था और उसकी मां को उसे अपने रूप में पालने के लिए मजबूर किया गया था वह संपत्ति को बांटने से इनकार कर दिया और इसके बदले में पूरी संपत्ति मणिक को दे देता है यह पायदप्पा के परिणाम को पूरी संपत्ति पर हस्ताक्षर करने और उसकी शाम को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर करता है वहीं सदैव को सहन करने में असमर्थ अपने घर से बाहर निकलने के लिए पदियप्पा पिता गुजर जाते हैं पदियप्पा का परिवार गांव के बाहरी इलाकों के एक खाली ज़मीन पर चला जाता है जिसे पदियप्पा इंजीनियरिंग के नाम से बचाने गए हैं वहीं पैसे से खरीदा गया है दिनों के भीतर सूर्य प्रकाश के गांव की जानकारी के बिना मनी के बेटे से शादी कर ली जाती है हालांकि उसके पिता मनी को दोनों समर्थन से कहा जाता है हालांकि बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है और यह फिल्म माँ से जुड़े आशीर्वाद को दिया गया और वापस ले लिया गया इसी बीच पदियप्पा ने कृष्ण के लिए अपनी भूमिकाओं को साफ करने के लिए तैयार हो जाती है वहाँ से मणि का जासूस मनी को उस भूखंड में छोटी छोटी चट्टानों देता है जिससे पता चलता है कि उस संपत्ति का एक पहाड़ी ठोस ग्रेनाइट जो पदयप्पा को भी अधिक धनवान बना देगा वह यह दावा करते हुए कहता है कि नाटक करता है और उसके भाई के भूत में उसके सब सिखाया जाता है और खाली जमीन के लिए पूरे पितृक धन का आदान प्रदान करने का सौदा करता है पद्यप्पा की मां इससे सहमत है लेकिन कई दुर्भाग्यपूर्णों घटनाओं के बाद मणिक के घर में सौदा रद्द कर देती है मनी के सौदे का कारण बताता है और वह उन्हें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करता है पायदान मनी और उसके आदमियों को कौशलता से और वह निकल जाते हैं वहीं पदयप्पा के ग्रेनाइट का व्यवसाय शुरू करता है जिससे वह बेहद अमीर हो जाता है वह अपने गांव में गरीबों की मदद करने के और उन्हें रोजगार देने के लिए पैसे का उपयोग करता वहीं जैसे जैसे उनका व्यवसाय फलता फूलता है तो उनका परिवार एक बार फिर महीनों के भीतर एक महा अलनुमा निवास में बसने में सक्षम हो जाता है वहीं पदयप्पा अपने पिता के गांव में मुखिया के रूप में मानते हैं और उनकी बहन उनकी कंपनी में काम करने वाले एक मुख्य अभिनेता से शादी करती है एक साल बाद नीलाम्बरी को वसुधा के लिए पदयप्पा के से प्यार के बारे में पता चलता है वह इससे ईर्ष्यू करता है और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है वहीं उसके बाद माता पिता पद्यप्पा की विधवा माँ से नीलम्बरी को उससे शादी करने की अनुमति देने के लिए कहते हैं हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पद्यप्पा की माँ ने पद्यप्पा और उसके वसुधरा के लिए वसुधा जैसी माँ भाई के लिए काम किया बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तोज्जो मिली लेकिन फिर भी यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखे गए और बताया गया कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमा घरों में रिलीज किया गया फिल्म की बात करें तो यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा देखा गया और हर एक बारे में बताया गया वहीं आनंद टिकट ने पच्चीस अगस्त को उन्नीस सौ निन्यानवे को फिल्म में मूल समीक्षा लिखी और कहा कि रजनीकांत शैली मुख्य मुहर के रूप में कई बार देखा जा सकता है यह कहते हुए कि रमिया कृष्ण ने रजनीकांत से मेला खाया और अग, अलग हो गया गए एक शाही रास्ता बनाया और निष्कर्ष निकल गया वहीं की प्रशंसकों के लिए बनाई गई इससे सौ से इकतालीस रेटिंग दी गई रजनीकांत की भूमिका शानदार है वो रेडी फिक गणेश के और नर्दी फिल्म ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए एक सकारात्मक समीक्षा भी दी और यह भी कहा कि शानदार है और निष्कर्ष निकालते हुए यदि आप रजनी के प्रशंसा कें तो यह फिल्म विंजर्ड के सामना है और वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एस शिव कुमार के अभिनेता रजनीकांत के करियर के लिए फिल्म के संकेतों के आलोचकों ने उन्हें कहा कि फिल्म पदार्थ से अधिक शैली थी सिफी ने रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की लेकिन रजनीकांत के आलोचना करते हुए कहा कि उनके पास सुपरमैन बनने के संवाद बोलने के अलावा कुछ नहीं है समीक्षा से निष्कर्ष निकालना तकनीकी रूप से फिल्म के पास देने के से ज्यादा कुछ नहीं है वहीं क्विक के, के पीस ने पाठकथा को भ्रमित करने वाला और खींचा हुआ कहा और फिल्म में बहुत कमिया समय के भीतर सारे उपकथनांग के बारे में कहा लेकिन रजनीकांत और रमिया कृष्ण के प्रदर्शन की प्रशंसा की वहीं बॉक्स ऑफिस पर पदयप्पा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता पाने में सफल रही वहीं ट्रिब्यूट के अनुसार यह उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी इस फिल्म को सौ दिनों तक हाँ। छियासी थिएटरों केंद्रों में प्रशासित किया गया था और इससे नरसिम्हा श्रीष्य के तहत तेलुगु डब संस्करण किया गया वहीं डब किया गया संस्करण व्यवसायिक रूप से सफल रही उद्यगम उनतीस थिएटर से पचास दिनों नाटकीय प्रदर्शन किया गया जहां पर बताया गया कि यह फिल्म काफी बेहतरीन है वहीं एक पशु कार्यकर्ता के निखिल ताज रेखा ने फिल्म में से एक दृश्य की आलोचना की जिसमें लाल साड़ी को पहने वसुधा पर एक बैल को हमला करते हुए दिखाया गया उन्होंने फिल्म के निर्माता का प्रतीक भाग मिगल की बात कही वहीं प्रचार करने का आरोप लगाया कि बैल लाल रंग की किसी भी चीज पर आरोप लगाते हैं जीव वास्तव में लाल रंग के अंधे होते हैं में इसी तरह के प्रतियोगिनी मिथल को प्रचालित करते हैं और करने वाले अन्यथा दृश्यों को देखने के आलोचना के सांप को दूध पीते हैं उन्होंने कहा कि सांप के स्थानीय पाई गई है ये सी पी एस के सांपों के लिए या जैविक रूप से असंभव सामान्य तौर पर सांप के अपने मुंह के लिए वास्तविक आकार तीन गुना आदि खोले जा सकते हैं और सीधे स्वीकार कर उपभोक्ता कर सकते हैं वे सिर्फ दूध को नहीं पीते हैं बताया जाता है कि इस फिल्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो मिला और जहां पर इस फिल्म को बेहतरीन ढंग देखा गया इस फिल्म की बात करें तो यह फिल्म उन्नीस सौ निन्यानवे की सबसे सफल फिल्म रही और यह भी साबित हो गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया इसकी बात करें तो इस फिल्म की तो पदियप्पा के मैके इंजीनियर के द्वारा बनाया गया और मशीन के नर गैस के नीलाम्बी मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर चंद्रू और अनिला की साथी होती है और पदियप्पा को मारने की कोशिश करता है इसके बजाय पदियप्पा एक साड़ को उस पर हमला करने से रोकता है उसकी जांच बचाता है और जान बचाने के बाद जबकि उसकी समय व उस समय के चलने वाली गोलियों को चकमा देता है यह जानने के बाद अपमान के साथ बजाय कि अपनी मित्र की बात बोले ही असफल रूप से रहती है साथ ही साथ अपने दुश्मन द्वारा बनाई गई अपनी जान को बचाने के लिए नीलाम्बरी ने अपने अगले जन्म में पदयप्पा में बदला लेने का वादा करते हैं हुए आत्मा का भी पदियप्पा उसकी आत्मा शांति की प्रार्थना करती है अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है पद्यप्पा के पिता शेलुकुर के रूप में शिवाजी हैं वहीं गणेश के रूप में रजनीकांत अरुपतन हैं वहीं लीलाम्बरी के रूप में रमिया कृष्ण है वहीं वसुधा के रूप में सौंदर्या है वहीं रविरा रेडी भी हैं वहीं पदयप्पा की माँ के रूप में लक्ष्मी पायदा है वहीं पदयप्पा की बहन के रूप में सीथरा है वहीं नीलाम्बरी के पिता के रूप में आराधा रवि सूर्य प्रकाश के रूप में नासर है वहीं पदियप्पा के पिता के भाई के रूप में मणिक वर्ण है शैथल्य अलाघपुरी आज गे के रूप में वहीं अब्बास के चंद्र प्रकाश चंदू के रूप में वहीं अनिल के रूप में प्रीति पायम की सबसे छोटी बहन है वहीं पदियप्पा की सबसे छोटी बेटी के रूप में अनिल वेंकट है वहीं अनुप मोहन जयसूर्य प्रकाश के सहायक रूप में वहीं मुर्गना के वरिष्ठ नेता है बात करें तो इसका राइटर के रूप में लिखित रूप से रजनी कृष्ण के लेकर किया गया है जहां पर पदियप्पा ने रजनीकांत के युद्ध के बारे में बहाया है वहीं इसमें संगीत को साउंड अटैक के बैकग्राउंड के स्कोर की रचना एर आर रहमान ने की थी जिसके बोल के मूल में कहा गया जिसने कहा कि साउंड अटैक स्टार म्यूजिक के माध्यम से जारी किया गया है फिल्म के संगीत को कैसेट के साथ हर्बल रेजमेंट के वसूल की टिस्ट्रिपिंग बेची गई फिल्म की रिलीज से पहले रहमान ने रवि कुमार से पूछा कि साउंड ट्रैक अगस्त उन्नीस सौ निन्यानवे की रिलीज किया जा सकता है समय सीमा तय करने के बाद रहमान के साउंड ट्रैक और स्कोर दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग की ताकि उन्हें समय का पूरा किया जा सके वहीं पकड़ श्रीमान द्वारा गाए गए गीतों को वेंट्री कोडी कड्डुल श्रेय शुरू में मलेशिया के वासुदेव को कहा गया जिन्होंने सार्वजनिक रूपों से कहा गीत श्री राम के बारे में बताया वहीं कहा गया कि इस फिल्म को काफ़ी बेहतरीन बनाया गया और यह डेकोन हेल्ड के श्रीकांत श्रीनिवास ने लिखा कि रहमान का संगीत वोवेराथमूल रही हालांकि रजनीकांत की, रजनी की उपस्थिति के बिना उनके पास होगा यह और बात द टाइम्स ऑफ इंडिया ने साउंड कुमार के बारे में कहा वहीं पदियप्पा को नव वर्ष के दिवस पर यह फिल्म वहीं कहा जाता कि पदियप्पा फिल्म एक व्यावसायिक रूप से बहुत बेहतरीन है वहीं पदियप्पा 1999 में बहुत ज्यादा प्रभावित किया जिसमें रमिया की फिल्म के और के एस रवि कुमार का भी अच्छा रोल और अच्छा एक्टिंग के द्वारा देखा गया बताया जाता है कि इस फिल्म को हर एक छोटे बड़े सिनेमाघरों में रिलीज किया गया जहां पर इसे व्यावसायिक रूप से सफलता मिली और व्यावसायिक रूप से सफलता मिलने के बाद यह फिल्म काफ़ी बेहतरीन थी सितंबर उन्नीस में रजनीकांत के निर्देश में के एस रवि कुमार के साथ पदियप्पा नामक का अपनी अगली परियोजना की घोषणा की यह मुथू के बाद रजनीकांत के साथ रवि कुमार का दूसरा सहयोग भी था। इस फिल्म को कहानी के कलिक कृष्णमूर्ति के ऐतिहासिक तमिल उपन्यास के बारे में पन्नौती सेवल के द्वारा किया गया वहीं रवि ने एक साथ रजनीकांत के साथ सा हार नामक का एक पाठकथा का रचना किया वहीं बताया जाता है कि अभिनेता ने पहले पदियप्पा को करना पसंद किया वहीं पदियप्पा का शीर्षक अरुपदा और पदियप्पा का अग्रीकरण किया गया वहीं मुर्गुनों के लिए एक उपाधि और उनके छह निवास इस फिल्मों का निर्माण के लिए सत्यनारायण एम वी राव और एच विटुल प्रसाद से अपने प्रोड्यूसर बैनर के अरुणाचल सिनेमा प्रियडिक्स के बारे में कहा गया इसके तहत और सहनिर्माण के रूप में पीएल थेपन के लिए ललिता मणिक गाने के सीक्वेंस की कोरियोग्राफर किया वही निर्माता में एम एम रतन कुमार के बेटे ज्योति कृष्ण की फिल्म की पाठकथा के साथ विकसित की गई शामिल में इसके दर्शक को आज के भी दर्शक फिल्म को निर्माता और सितारों के नवीत उम्मीद करता वहीं पदियप्पा नीलाम्बरी को सफलता इसका एक उदाहरण एक कलाकार की है सफलता के लिए क्रिया प्रतिक्रिया प्रमुख कारक है वहीं रम्या कृष्ण जुलाई उन्नीस में द हिंदू में एक साक्षरता है वहीं राजनीकांत को शीर्षक देते हुए चरित्र के रूप में लिया गया और यह शाह आधारित इंजीनियरिंग को बारे में कहा गया जो का जिसके बाद बताया जाता है कि इस फिल्म को इसकी भूमिका तामिक्स महिला नंदिनी पर आधारित है इस भूमिका के लिए पहले नीमा और नगम पर विचार किया गया लेकिन अंत में रम्या को कृष्ण को लिया गया उसके बाद कहा गया कि भूमिका स्वीकार कर ली गई है क्योंकि यह सुपरस्टार के विपरीत भी थी और वह भी एक नकारात्मक चरित्र था कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं था लेकिन मैंने इससे किया मेरे पास कोई भी दूसरा विचार नहीं था ऐश्वर्या के अनुसार इस भूमिका के लिए उनके नाम का भी विचार किया गया था हालांकि रवि ने इस दावे का खंडन किया वहीं सौदारियों के पास जाने से पहले सिमरन को वसुधरा भूमिका के लिए माना गया था उन्होंने पहले ही अरुणाचल में उन्नीस में रजनीकांत के साथ काम किया था रवि कुमार ने खुलासा किया कि निर्माता के बारे में कहा कि सालनी को पदियप्पा की बहन की भूमिका निभाने के लिए कहा गया वहीं लेकिन अंत में यह भूमिका सिद्धूर्थ को मिल गया विरुद्ध पदियप्पा चरित्र चित्रण की दाढ़ी वाले धूप में चश्मे का था वासा को उन्नीस सौ अवशमा के चरित्र के रूप में रजनीकांत के रूप पर आधारित था वहीं शिवाजी गणेश के और कास्ट के लिए किए जाने से पहले विजय कुमार की परियप्पा के पिता के लिए सुर्गाती पसंद किया गया। वहीं वरुण गिरोह के बारे में उनके चरित्र की उपस्थिति मटन चौप के मुंह के साथ थेहर मदन की बात कही गई वहीं नीलाम्बरी में इस शाम को भूमिका के लिए स्थिर किया गया बताया जाता है कि प्रधान फोटोग्राफी एक अक्टूबर उन्नीस सौ को राघव के द्वारा इस फिल्म को निर्देशित किया गया और कल्याण मंडप में शुरू हुआ चरमोत्कर्ष दृश्य को देखते हुए सबसे शूट किए जाने वाले दृश्य में से था और इसे कैमरों का उपयोग करके एक ट्रैक में फिल्म किया गया था कैमरों का उपयोग करने के बाद एक ट्रैक में फिल्मांक